अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। तो पोको की तरफ से एक और स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है चाइना के अंदर, और ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काफी जबरदस्त किस्म का स्मार्टफोन होने वाला है, सक्सेसर होने वाला है पोको X2 का। मैं बात कर रहा हूँ पोको X3 की। काफी जबरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन लीक हुई है, कुछ रेंडर लीक भी देखने को मिली है, कुछ पिक्चर्स वगैरह देखने को मिली है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड बात करेंगे, और क्या ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा उस पर भी बात करेंगे, और किस प्राइस रेंज के अंदर जो है हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो सब कुछ बात करेंगे पोको X3 के बारे में। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं गुरु नाना। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, तो बात करें पोको X3 की। तो पोको X3 क्या कुछ नया लेके आने वाला है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिकेशन में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले, तो डिस्प्ले के अंदर हमें जो है यहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा एज पर डिस्प्ले। यहाँ पर हमें जो है वो IPS का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, LCD पैनल होने वाला है। उसके अलावा हमें 6.67 इंचेस की यहाँ पर जो है वो स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। AMOLED डिस्प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल के आने वाली है। यानी काफ़ी स्मूथ हमें जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा पोको X3 के अंदर। उसके अलावा बात करें स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है। कुछ पोको के जो एग्जैक्टिव है उनकी तरफ से कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी ट्विटर के ऊपर लीक किए गए थे कि किस तरह का कैमरा मॉड्यूल वगैरह होगा, लेकिन मेरे ख्याल से उस तरह का नहीं होगा। हमने सर्कुलर शेप के अंदर, सेंटर के अंदर जो है वो राउंड शेप के अंदर जो सर्कल शेप आती है उसके अंदर हमें जो है वो इसका क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल कटआउट देखने को मिलेगा, सेंटर के अंदर स्लाइटली बहुत ही छोटा सा हमें जो है वो होल देखने को मिलेगा कैमरा का। उसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, USB टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ठीक ठाक डिज़ाइन है। डिज़ाइन के मामले में ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन काफ़ी थिक होगा, और यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी मोटा बड़ा सा जो है वो स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह का जो है वो बाद में डिज़ाइन निकल के आता है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है। बैटरी की बात करें, तो बैटरी के अंदर ये स्मार्टफोन हमें 5160 mAh की बैटरी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ हमें जो है वो 33 W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बैटरी के मामले में तो इनफ है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। 33 W का फास्ट चार्जर, 5160 mAh की बैटरी, ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो बैटरी के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये स्मार्टफोन होने वाला है। बात करें कैमराज की, तो कैमरा के मामले में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ गया, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा बैक के ऊपर, जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का सेंसर होगा। यहाँ पर हमें सोनी का लेंस भी देखने को मिल सकता है, IMX का कुछ हमें जो है वो लेंस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह के कैमराज निकल के आते हैं, ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ। हमें जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा, वही जो आजकल कॉम्बिनेशन चल रहा है उसी तरह का हमें बैक के ऊपर जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट के ऊपर देखते हैं किस तरह का हमें जो है वो कितने मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो प्रोवाइड करता है पोको। बहरहाल ज़्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ, सिर्फ ये पता है कि 64 MP का हमें जो है वो बैक के ऊपर इसका रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के अंदर ये स्मार्टफोन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। अपनी प्राइस ब्रैकेट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। हमारे पास जो है ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करने वाला है स्नैपड्रैगन का 732 का चिपसेट। अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं किया गया, स्नैपड्रैगन की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया ये चिपसेट, लेकिन जो है वो रूमर यही निकल के आ रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 732 का चिपसेट जो है वो पोको X3 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 730 से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे अगला वेरियंट आ रहा है। तो उससे अगला जो है वो मॉडल, जो भी आप कह लें, वो जो है वो उससे आगे वाला कुछ सक्सेसर जो भी उसे कह लें, उससे बेहतर है। तो यानी हमें जो है वो परफॉर्मेंस उससे बेहतर देखने को मिल जाएगी स्नैपड्रैगन 730 से, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी, लेकिन क्या यार, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की, क्या हो गया मुझे, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हमें जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। एंड्रीनो का 619 का GPU देखने को मिलेगा। तो यार परफॉर्मेंस नो डाउट स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये तो था ओवरऑल, यहाँ पर हमें जो है वो जो अभी तक स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हुई है वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब जो है वो बात कर लेते हैं कि ये स्मार्टफोन जो है वो कब तक आएगा। अभी तक जो है वो डेट वगैरह कोई भी नहीं निकली है, चाइनीज़ मार्केट के अंदर भी कोई डेट नहीं निकली है, इंडियन मार्केट के अंदर भी कब तक आएगा कुछ नहीं पता है। लेकिन ये स्मार्टफोन जो है वो एक महीने के अंदर अंदर चाइना या फिर इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये स्मार्टफोन जो है वो ग्लोबल लॉन्च होगा। ग्लोबल लॉन्च मतलब कि ग्लोबल के अंदर पाकिस्तान भी आएगा, और ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च होगा। मैं अब कन्फर्म नहीं कर रहा भाई, 80-90% चांस है कि ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च होगा।
चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, 90% बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मेरे ख्याल से 90% तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक जो है वो बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने बताया था कि पोको एक्स टू या फिर जो है वो पोको एम टू, इन दोनों में से एक स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, दोनों स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर नहीं आए। तो लेकिन अब मैं आपसे जो है ना कन्फर्म नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, 90% तक चांसेस है पोको एक्स थ्री पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकता है, और ये हमें जो है वो तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, डिज़ाइन भी ठीक ठाक निकल के आता है स्मार्टफोन का, उसके अलावा 120Hz का रिफ्रेश रेट है। तो मेरे ख्याल से प्राइस जो है वो स्मार्टफोन की 55,000 to 60,000 के अंदर होने वाली है। तो 60,000 के अंदर 732 का चिपसेट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, बैटरी काफ़ी सॉलिड है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल की ऑप्शन हमें जो है वो 60,000 के अंदर मिलने वाली है पोको की तरफ से। आप लोगों का क्या ख्याल है स्मार्टफोन से रिलेटेड मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।